देदी पैमान पूज्य कुमार कुमार सिंह जी मंच पर विराजित थे, माता जी मित्रगण। मैं कल बनारस से आया, आपका नाम मैंने सुना, पवन सिंह जी सर ने बताया कि आ रहे हैं, तो एक एक श्लोक आता है हमारे यहाँ, दूरे पिसृत्वा भवती अकीर्तिम कर्ण चतृप्तौ नज चक्षुषी में द्वयोर विवादम परिहर्तु कामः समागतो हम तव दर्शनाय। जब आपका नाम सुना तो आंखों में, चक्षुओं में और कर्ण रंध्रों में विवाद उत्पन्न हुआ, आखिर श्रेष्ठ कौन है? देखे मैं उनको देखूंगी तो मैं तृप्त हूँ कि वो श्रेष्ठ है, नहीं कानून का नहीं, उनके केवल वाक्य श्रेष्ठ है, उनकी वाचा श्रेष्ठ है। लेकिन आज दोनों के द्वंद दूर हुए और आज दोनों का जो युद्ध था वो समाप्त हुआ। आप दोनों में श्रेष्ठ है, आप दोनों में श्रेष्ठ है। आपके लिए कहना चाहूंगा कि पवन पवन की धार हो आप, नीरस को भी सरस बना दो आप, शिक्षा का पर्याय रूप निज कर्म में निरत हुआ, सत्य विवेक ज्ञान की निधि हुआ, सत्य विवेक ज्ञान की निधि हुआ। आपने हमारे उपनिषदों में क्या निहित है, हमारे वेदों पुराणों में क्या निहित है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समावेशी शिक्षा हमारे उपनिषद पुराणों में निहित पहले से ही है, इसकी कोई आवश्यकता उस समय नहीं थी। सप्त गुरु में हमें कई वेदांगों में पुराणों नहीं मिलता है, जैसे तैतरे उपनिषद में आता है, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम सहनौ असह संगच्छद्वम संबद्धद्वम इत्यादि सूक्तियां हैं, हमारे वेद वाक्य हैं, उस हम सब उसे ओतप्रोत हैं, वो अलग नहीं था, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन आज इस अर्वाचीन युग में इसकी आवश्यकता है, आपने इसकी आवश्यकता को, इसके महत्व को, इनके उद्देश्यों को अपने भावों के माध्यम से, संस्कृत से जिस माध्यम से जोड़ा, इससे ज्यादा आह्लादित है हम लोगों को, बड़ा इससे लाभ हुआ। आपने बाघ मंदिर गंगा जल धारा से पवित्र किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको धन्यवाद, दमोदर पति सर को धन्यवाद का आपने मुझे बुलाया यहाँ बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।